आज मैं शबनम से सीखूंगी कि किस तरीके से आलू के चिप्स बनाते हैं। मुझे पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है। मुशी मुशी आ कम 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 आजा चला जा आजा 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 ऊपर आ ऊपर मुशी चल चल आ चल। तो हमारे पास है ये मोटे मोटे आलू और अभी मार्च का महीना ना बहुत अच्छा होता है होली के टाइम पे चिप्स वगैरह बनाने का, क्योंकि अभी इसके इस टाइम जो धूप निकलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये है, अभी हमने सोचा कि 5 किलो आलू से शुरुआत करते हैं। मुझे चिप्स बनाएंगे मुझे चिप्स बनाएंगे चला आजा चल शुरू शुरू चला आजा 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 जल्दी जल्दी बैठ 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 हाँ बैठ बैठ ना ऑल इन गुड बॉय गुड बॉय गुड्डी बॉय गुड्डी बॉय चल। तो ये काम शुरू हो गया है, ये जो चिप्स काटे हुए हैं इसको पानी में ही बुबू ने बोला है। अब मैं सारा इंस्ट्रक्शन बुबू को फॉलो करूंगी कि पानी में गिरेगा ना तो ये आलू काला नहीं पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस तो हो गया है, अब वीडियो बनाना बंद करूं वरना अभी बोलेगा कि बस वीडियो बनाना है काम नहीं करना है। और ये वाली जो ये क्या कहते हैं इसको, स्लाइसर कहते हैं या आलू छिलनी कहते हैं, आलू छिलनी तो नहीं कहते हैं स्लाइसर कहते हैं। तो कल मैं ये ख़रीद के लाई हूँ स्पेशली ताकि इससे काम थोड़ा और आसान हो जाए। और इसमें एडजस्टेबल मोड है यहाँ पे ना, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगा, यूनिक लगा। आप ज़रा काम करके देखते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ है। अलग 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 स्लाइसेस कर सकते हैं, इसमें क्या है कि मोटा और पतला भी कर सकते हैं। मोटा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा फिर उसको ना, मोटा भी कटा हुआ है मोटा पतले भी कटे हुए, लेकिन ये एग्जैक्ट सही साइज है, ये सही साइज है। तो हमेशा एक्सपर्ट ऐसे देखते ना, एक्सपर्ट की सलाह माननी चाहिए। ये ऐसे ऐसे झूलना नहीं चाहिए, जैसे कि कौन सा वाला, ये वाला, ये देखो ये काफ़ी पतला है, ये मैंने दूसरे वाले स्लाइसर से काटा हुआ काफ़ी पतला है। इसके चल रहा सब हम काम शुरू कर रहे हैं। इसकी शेप जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे इसने तगाड़ी में से फंसा ली। और इसके साथ अच्छी बात है ये सेफ्टी के लिए ये है कि इसको ऊपर रखेंगे टिक 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 टिक। तो अभी शुरुआत तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी काफ़ी जगह है और काम बहुत स्मूथ हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब जैसे जैसे पास आता जा रहा है मैं सेफ्टी के लिए इसको लगा लूँगी इसके ऊपर, ऐसे चुन गया इसके ऊपर फटाफट फटाफट काम खत्म, मज़ा आ गया। बस दिखाना स्लाइस जिन्होंने अभी बनाई है वो ले बच्चे। तो ना मेरे पास ये पुराना वाला भी स्लाइसर था लेकिन इससे ना वो स्मूथनेस और कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने ये था घर पे लेकिन मैंने सोचा कि जब काम करना ही है तो इक्विपमेंट आपके अच्छे होने चाहिए। तो अभी मैंने 5 किलो से शुरुआत की है और फिर आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये 5 किलो जल्दी से 10 किलो भी हो जाए। थोड़ा पानी से ज़्यादा हो गया तो देखो मैं काम कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ध्यान से हाथ ना कटे। और हमने ना आलू का जब कल सिलेक्शन किया था वो भी बड़े बड़े आलू सेलेक्ट किए थे और मैं अपने एक्सपर्ट को साथ में लेकर गई थी, उसको सब कुछ पता है। बस अगर ये स्लाइसर ना होता ना तो काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आलू का मेन एक तो इतना बड़ा है, हैवी वेट है और काफ़ी बड़े बड़े चिप्स निकल रहे हैं, ये ना काफ़ी बड़े बड़े चिप्स निकल रहे हैं। तो अगर स्लाइसर इतना मतलब तो इसकी ब्लेड इतनी अच्छी नहीं होती तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता। नया स्लाइसर इसीलिए काम कर रही है। बस बारीकी है रखते का।
एक काम करें, जो इतना इमर ज्यादा हो ही जा रहा है ना, तो ये निकाल के दूसरे इमर ट्रांसफर कर देंगे पानी में। चूंकि अभी ब्लेड नहीं है तो इतना होता है, लेकिन फिर भी मैं काम बहुत थोड़ा ये ध्यान रखा नहीं तो हाथ हल्का छिल गया है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो अब हमने जितने भी आलू स्लाइस किए थे इनको हल्का पकाएंगे, लगभग 5 से 10 मिनट गरम पानी करेंगे और उसमें फिर नमक डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, जिससे थोड़ा सा उसमें नमकीन फ्लेवर आ जाए और हल्का सा तीखापन हो, और नमक हमने बहुत ही ज़्यादा कम डाला हुआ है। अब हमारे पास जो है तो बर्तन जो है इतना छोटा है अभी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कम कम करके आलू डालेंगे, तो और वैसे भी क्वांटिटी हमने कम ही रखी है 5 किलो, क्योंकि मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी ना। तो अब 5 से 10 मिनट बाद जब पानी का टेम्परेचर हुआ है तो अब उसको धीरे धीरे हम उसमें सारे के सारे जितने भी आलू थे जब तक हम मिलाएंगे, तब तक हमारी एक तरफ स्ट्रॉबेरी की जेली भी बनाने की तैयारी हो रही है। तो अब ये ऑलमोस्ट सारे के सारे आलू जो हैं वो हो गए हैं तैयार, बीच में शबनम चेक भी करती जा रही है। अब इनको हम अलग करके एक प्लेट में निकालेंगे, हल्का देखिए एक बॉयल आ जाए ना वैसे ही। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे और फिर इनको, धूप बहुत अच्छी है आज तो इनको अब धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। तो लगभग 5 किलो आलू था तो हमने इसको लाइक 3 बार में इस बर्तन में आ गया, और देखिए कितना अच्छा कलर आया, हल्का येलोइश कलर आया है, और इसका मिर्ची जो है ना, कलर वाली मिर्ची थी, देगी मिर्च थी, तो वो डाल के उसका भी कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। तो मैंने और शबनम ने काम बांट लिया कि धूप थोड़ी ज़्यादा है और मुझे अंदर का आइडिया इतना पता नहीं है कि कैसे उसको उबालेंगे, कैसे चेक करेंगे ताकि वो परफेक्टली आए, तो मैंने काम संभाल लिया कि मैं छत पे जाऊंगी, छत पे आराम से बैठ के और वहाँ पे जितनी भी चिप्स हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करूँगी।
काले ना हो जाए। ये काम दिखता जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा कड़ी है। ये पापड़ सूखते सूखते कहीं मैं ही पापड़ ना बन जाऊँ, मुझे ऐसा डर है। तो मैंने एक छोटी तौलिया सर पे रख ली, यकीन मानो धूप बहुत ज़्यादा कड़ी थी। तो अब हम दोनों बहनें आज साथ में मिलके लग गए हैं कि हम इन चिप्स को जल्दी जल्दी अरेंज कर देंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा धूप ना लगे। और ये चिप्स जो हैं गर्म भी थे तो हाथ भी बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो अब फाइनली 5 किलो जो चिप्स है वो आपके सामने हैं और धूप में सूखने के लिए तैयार है। और मेहनत करी है मैंने, यकीन मानो। अब मैं आ गई हूँ वापस से शबनम के पास। अब शबनम वापस से किचन में मुझे बता रही है कि जेली वो किस तरीके से बनाती है। तो स्ट्रॉबेरी हम लेने गए थे मार्केट में, हमें अच्छी खासी मिल गई, तो हमने अब इसको जेली बनाएंगे ताकि सुबह सुबह हम नाश्ते में या शाम के टाइम जब खाने का मन हो तो हम जेली खाएँगे। ये बन रही है स्ट्रॉबेरी की जेली, और इसको बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ, देखने में मेरा पूरा योगदान है, टेस्ट करने में मेरा पूरा योगदान है। और घर पे बन जाएगी, कल सब्जी मार्केट गए थे तो अभी ताज़ी ताज़ी स्ट्रॉबेरीज आई हैं। अब बाहर की जेली में पता नहीं क्या प्रिजर्वेटिव डालते हैं क्या नहीं, हम अपने हाथ। अब ये आज की एक दिन की धूप है और उसके बाद ये हालत हुई है इन चिप्स की। और इसको सूखने के लिए मात्र 2 दिन का टाइम लगा था और फिर ये खाने के लिए अब तैयार है। मुशु चिप्स खाएगा मुचो चिप्स खाएगा, हाँ चिप्स खाएगा मुशु चिप्स खाएगा। ले नहीं खाएगा ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेहनत चिप्स बनाने की सफल। ले इसको भी ना चीजें देख देख के खाना है, जो चीज हम खा रहे हैं वही खाएगा ये। ले लेना टेस्टी।